नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली वशीकरण बताता हूं जो मोबाइल से होता है। मोबाइल में आपके जो फोटो है ना, मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो उस फोटो से जो मोबाइल के अंदर आपके प्रेमी या प्रेमिका की या पति या पत्नी की जिसकी भी फोटो है, जिसे आप वशीकरण करना चाहते हो, अपने वश में करना चाहते हो, उसकी फोटो आपके पास मोबाइल में है तो मोबाइल का उपयोग करके आप उसे तबीयत से वशीकृत कर सकते हो, अपने प्रेम में विहल कर सकते हो, पागल कर सकते हो, दीवाना बना सकते हो। किस प्रकार से बनाओगे, छोटी सी बात है। इसके लिए एक सबसे जो महत्वपूर्ण शर्त है वो शर्त ये है कि आपको, जब आप ये काम करो तब आपको शाकाहारी होना जरूरी है। यदि आप शाकाहारी नहीं हो, मदमांस का भोग लगाते हो, तो आपको पहले 42 दिन तक इन चीजों को छोड़ करके उसके बाद में ये काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आदमी जब मांसाहारी होता है, शराब आदि का सेवन करता है, तो उसके अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी हो जाती है कि उसकी ध्यान करने की क्षमता टूट जाती है, और ध्यान करने की क्षमता टूटने से जो कार्य आज हम बता रहे हैं वो कार्य पूरा नहीं होगा। आपका वशीकरण पूरा हो इसलिए छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान में रहेंगी तो आप फायदे में रहेंगे। ये वशीकरण दोस्तों शनिवार के दिन से होता है। शनिवार शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, कोई भी हो चलेगा। शुक्ल पक्ष का, चंद्रमा के आसपास का शनिवार हो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, वरना कोई भी शनिवार हो प्रतिबंधित नहीं है, किसी भी शनिवार को आप कर सकते हो। ये शनिवार से 3 दिन के लिए ये जाप कर्म शुरू होते हैं। करना क्या पड़ता है इसमें, इसमें यह करना पड़ता है कि एक तो मोबाइल चाहिए जो आपके पास है, जिसमें आपके दिलभर की फोटो है, प्रेमिका की फोटो है, वो आपके पास होना चाहिए। उसमें फोटो कैसी चाहिए, फोटो ऐसी चाहिए जो सीधी देखती हो, सीधा आपकी तरफ देखती हो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके आपको जाप करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए लेफ्ट राइट की शक्ल वाली फोटो नहीं चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखना। सीधे आपकी आंखों में देखे ऐसी फोटो आपके पास होनी जरूरी है। अब आगे की बात यह है कि आपको इसमें एक दीपक चाहिए। दीपक मिट्टी का होता है और वो कोरा दीपक चाहिए। कोरा का मतलब है उसका पहले उपयोग नहीं किया गया हो, सीधा कुमार के यहाँ से आया हो, उसका एकदम कोई उपयोग पहले नहीं हुआ, उसे कोरा दीपक बोलते हैं। उसको धो के साफ करके सुखा के उस दीपक को आपको काम में लेना है। उसमें करना क्या है, चमेली का तेल भरना है। चमेली का तेल भरने के बाद में असली भीमसेनी कपूर आता है। देखिए दो प्रकार के कपूर आते हैं, एक तो टिकिया आती है, वो टिकिया मत लाना, वो नकली आती है। जो भीमसेनी कपूर आता है पूजा में काम में लेते हैं और दवाइयों में भी काम में लेते हैं, वही कपूर आप लाना। बाजार में पूछ लेना कि मेरे को भीमसेनी कपूर चाहिए, वही कपूर आप लाना और वो कपूर पीस करके और आप उस दीपक में डाल देंगे। अब उसमें क्रॉस बत्ती लगानी है, रुई की बत्ती होगी या कलावे की बत्ती होगी, दोनों में से जो भी हो आप उस बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। उस बत्ती को क्रॉस लगाना है तो चार मुंह हो जाएंगे उसके और चारों मुंह आपको जलाने हैं। दोस्तों ये साधना पश्चिम मुखी साधना है। पश्चिम मुखी का अर्थ है आपको अपना मुंह पश्चिम दिशा में रख करके ये साधना करनी पड़ेगी। सफेद आसन हो, ऊन का हो, कपड़े का हो, किसी का भी हो, सफेद आसन होना चाहिए। उस आसन पर बैठ करके ही आप यह साधना करेंगे। दोस्तों साधना करते समय आपको स्वच्छ रहना, स्नान वान करके एकदम स्वस्थ स्वच्छ और अंदर से प्रफुल्लित खुश शांत चित्त होना जरूरी है। अगर आप खुद ही बेचैन हैं, व्यग्र हैं, तो कोई भी प्रकार की साधना आप सफल नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो इसके लिए जरूरी है कि आप शांत चित्त हो। अब क्या करना, जो मोबाइल आपके पास है उस मोबाइल में एक सिस्टम होता है कि वो जल्दी जल्दी बंद हो जाता है, 5 सेकंड में 3 सेकंड में बंद हो जाता है। तो आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाकर के कंट्रास्ट को काफी देर तक कर लीजिए। वो क्या होता है, वो सेटिंग में एक सिस्टम होता है जिसमें काफी देर तक आप चाहो तब तक वो मोबाइल बंद नहीं होगा। आप खुद बंद करोगे तभी बंद होगा, वरना मोबाइल चालू रहेगा। तो वो सेटिंग कर लीजिए। ये आपको 3 दिन के लिए करनी है, उसके बाद में आप चाहो तो वापस सेटिंग बदल लेना, कोई जरूरी नहीं है। अपना काम 3 दिन तक ही है। मोबाइल को अपनी आंखों के सामने रखें, उस मोबाइल के आगे आप चौमुखा दीपक रखें। कोई ज्यादा पूजा सामग्री नहीं है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है और इस आसान तरीके से आप कर सकते हैं। न इसमें कोई सुरक्षा घेरे की जरूरत है, न कुछ और प्रसाद की आवश्यकता है, सीधा सीधा आप इसको कर सकते हैं।
मोबाइल चालू करके स्टैंड पर रख दिया ताकि वो हिले डुले नहीं, क्योंकि हिलने डुलने से क्या होता है, आपकी जो रिदम होती है ध्यान की, त्राटक की, वो टूट जाती है, और रिदम टूटने से आपका काम अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार से मोबाइल आपकी आंखों के सामने रहेगा, मोबाइल आंखों के सामने रहेगा, तो वो जो चित्र आप है उस चित्र की आंखों में आंखें डाल करके आपको जाप करना है। कैसे? मोबाइल रहेगा, मोबाइल के आगे दीपक रहेगा, और दीपक के बाद में आप बैठे रहेंगे। ये तीन का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही आपको बैठना है। अब आप बैठे बैठे 36 मिनट तक एक ही आसन पर बैठे बैठे जाप करेंगे। चाहे तो आप अपने दूसरे किसी अलार्म, कोई अलार्म घड़ी हो तो उसमें, या कोई रिमाइंडर लगाना हो दूसरे फोन में तो रिमाइंडर लगा लीजिए। जब आप बैठें त्राटक करने तो 36 मिनट तक कम से कम आपको बैठ करके ये जाप करना है। समझ गए बात को? जाप क्या करना है? जाप ये करना है, सर्व त्राटक अमुकम मम अवश्यम सिद्ध स्वा, सर्वत्राटक अमुकम मम अवश्यम सिद्ध स्वाहा, सर्वत्राटक अमुकम मम अवश्यम सिद्ध स्वाहा। इसमें जो अमुकम नाम आया है उस अमुकम नाम के स्थान पर आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका की, जिसे आप वश में करना चाहते हैं, उसका नाम आपको लेना है। और इस प्रकार से आप ये विधि करेंगे तो तीन दिनों में, यानी कि शनिवार, रविवार और सोमवार, इन तीन दिनों में आपका प्रेमी आपके वशीभूत हो जाएगा, और प्रेमी वशीभूत होने से आप आराम से उसे अपना दीवाना बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये जो लेकिन है ना, ये लेकिन बड़ा खतरनाक है। इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का आप ध्यान रखें। शर्तों का यदि ध्यान नहीं रखेंगे तो आप छोटा मंत्र हो, बड़ा मंत्र हो, वशीकरण हो, आकर्षण हो, विदेशण हो, कुछ भी हो, जो उसकी इंपॉर्टेंट शर्तें होती है, खास शर्तें होती है, वो अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो जाती है। स्पेशल शर्तें आप खास ध्यान में रखें। उन शर्तों में से दोस्तों एक शर्त यह है कि जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो शख्स यदि आपका प्रेमी है, और चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उससे कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि यदि आप उसके साथ संभोग नहीं कर सकते तो आप उसे कभी भी इस मंत्र से वश में न करें, क्योंकि संभोग ही एक ऐसी चीज है जो उसकी मानसिक असंतुलन को संतुलित कर सकता है, उसे ठीक कर सकता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जिस जातक पर आपने ये प्रयोग किया है वो जातक मानसिक विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है। इसलिए इस बात का खास आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा बात यह है कि आप जो दीपक जलाओ उस दीपक को फूंक मार करके कभी भी नहीं बुझाना है। याद रखना, उस दीपक को आप उठा करके अपने पूजा घर में रख देना, जब वो खुद बुझे तभी बुझे, उससे पहले आपको बुझाना नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको फूंक मार के, हवा मार के, कैसे भी बुझाना नहीं है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखेंगे आपके लिए जरूरी रहेगा। तीसरी बात यह है कि जिस जातक पर आप ये प्रयोग करते हैं उसको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाई बीपी, लो बीपी, इस प्रकार की उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसकी जान पर भी बन सकती है, उसको बहुत खतरा हो सकता है। ऐसे जातक पर भूल करके भी इस वशीकरण का प्रयोग नहीं करें। दोस्तों चौथी शर्त यह है कि जिसके परिवार में कोई मर गया हो, या तो कर्ता के या कर्म के, जिस पर और जिस ऑब्जेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसके परिवार में कोई मर गया हो, तो 42 दिन तक 42 डेज तक यह क्रिया आप नहीं कर सकते। किसी मरे हुए व्यक्ति, किसी के घर में कोई व्यक्ति मर गया उसके भी, या आपके घर में कोई व्यक्ति मर गया उस तो भी आपके भी, आप 42 दिन तक इस तंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। जब पूर्ण होने से जो जब आप कर रहे हैं, जब पूर्ण होने के बाद में आपको एक काम हमेशा करना है, इधर जब पूर्ण हुआ उधर मोर पंख की छड़ी आपको अपने पास रखनी है, उससे खुद को झाड़ लेना है। जब पूर्ण होने के बाद में आपको ऐसा करना है, लेकिन एक काम और है, जब आप अपने पार्टनर के साथ में संभोग करो तो संभोग से पहले आप अपने पार्टनर को मोर पंख की छड़ी जो होती है उसे झाड़ लेना जरूरी है। मोर पंख की छड़ी से अपने पार्टनर को संभोग से पहले झाड़ लें, और खुद को पूजा करने के बाद में झाड़ लें। इस प्रकार से झाड़ेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी रहेगी वो उतर जाएगी। ये जो बातें मैंने बताई इनका ध्यान से अच्छे तरह से आप पालन करें, और इस काम को करने से आप किसी को भी वश में करने की शक्ति आपके भीतर पैदा हो जाएगी, और वश में होने पर आप
उससे मनचाहा प्रयोग कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, अपनी घर गृहस्थी बसा सकते हैं। इस प्रकार से आप एक अच्छे वशीकरण का प्रयोग करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। ये प्रयोग दोस्तों गलत मनसा से, गलत भाव से, उद्विग्नता से, बदले की भावना से, किसी को जबरदस्ती प्राप्त करने की कोशिश से, ऐसे कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना वशीकरण होगा नहीं और आप और मुसीबत में पड़ जाओगे। यदि किसी से सच्चा प्रेम हो तभी इस वशीकरण का प्रयोग करना, और खाली प्रेम से कुछ नहीं होता। जिससे आप प्रेम करते हो उसके पालन पोषण की पूरी क्षमता आपके पास हो तभी आप इसका प्रयोग करना। आप पालन पोषण की क्षमता नहीं है, वो किसी अच्छे खानदान की लड़की है और आप उसे वश में करना चाहते हैं पैसों के लिए, तो नहीं होगा। ये सब बकवास बातें, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ कर नहीं सकते आप, उल्टा आपको मुसीबत हो जाएगी। इसलिए जो चीज़ें हैं उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें, सच्चे प्रेम के साथ आनंदित चित्त से, शांत चित्त से यदि काम करेंगे तो आप लाभ में रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।